जय हिंद दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि फुटपाथ पर जो दुकान होता है, आपने देखा होगा चाय का दुकान, नाश्ते का दुकान, छोला भटूरा का दुकान, लोग कपड़े का दुकान भी लगा लेते हैं। बहुत सारी दुकानें आपको मिलेगी। आप मेन सिटी में जाएंगे तो स्पेयर पार्ट्स की दुकान, बहुत सारे दुकान फुटपाथ पर। फुटपाथ मतलब समझ रहे हैं जिसे पटरी भी हम बोलते हैं, जैसे कि रोड के साइड में जो जगह होता है, रोड के साइड में जो जगह होता है, खाली जगह होता है जो पैदल चलने के लिए होता है, उस पर लोग दुकान लगा लेते हैं। और ऐसे ही दुकान नहीं लगा लेते हैं, दुकान तो लगा ही लेते हैं और नगर निगम उसे कुछ नहीं कहता है। महानगर के विभागों का नज़र उस पर नहीं जाता है, वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। और होता क्या है कि लोग 5 साल से 10 साल से 20 साल से दुकान लगा के रह रहे हैं, कमा खा रहे हैं, उसको प्रशासन भी डिस्टर्ब नहीं करता है। बाई दबे कभी साल दो साल में एक बार हटा भी दिया जाता है तो फिर 10 दिन बाद 5 दिन बाद वो जाकर लगा लेते हैं और आराम से रोजी रोटी चल रहा है, आराम से अच्छा पैसा मुनाफा कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इस पर सवाल ये किया है, ऐसे लोग जो दुकानदार है या फिर दुकान करने वाले हैं या फिर जो 5 साल 10 साल से करके रह रहे हैं, उन लोगों ने सवाल किया है कि जो जहाँ पर मेरा दुकान है, बहुत पुराना दुकान है और अस्थायी दुकान हो चुका है, लेकिन नगर निगम की ज़मीन है, फुटपाथ है, नगर निगम की जगह है या फिर सरकार की जगह है, तो क्या वह जगह अपने नाम से अलॉट हो सकता है या वह जगह मेरी हो सकती है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को जो देख रहे हैं इसे लाइक जरूर कर दें, लाइक का बटन नीचे दिख रहा होगा आपको, और पूरा वीडियो देखें। अगर पूरी बात को समझना है तो पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, तभी पूरी बात समझ में आएगी। होता क्या है कि बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि मेरे पास नगर निगम के लोग आए थे, प्रशासन के लोग आए थे और पर्ची काट कर चले गए, चालान काट कर चले गए, और वो चालान मैं 5 साल से रख रखा हूँ, 10 साल से रख रखा हूँ, 20 साल से रख रखा हूँ, कई चालान है जो प्रूफ करती है कि इस पर मैं 10 साल या 15 साल या 20 साल से हूँ। क्या उस चालान के आधार पर, क्या उस पर्ची के आधार पर कभी दावा किया जा सकता है या अस्थायी दुकान मांगा जा सकता है? तो होता क्या है कि आमतौर पर आप देखते होंगे कि सरकारी जमीन में किसी का घर है, किसी का घर है या किसी का दुकान है या फुटपाथ पर दुकान है या अस्थायी दुकान है, तो होता क्या है कि प्रशासन साल में एक बार अभियान चलाता है अतिक्रमण हटाने के लिए, साल में एक बार अभियान जरूर चलाता है, नगर निगम के लोग आते हैं और उन्हें हटा देते हैं या फिर उनका जो दुकान रहता है, जो अस्थायी दुकान रहता है, उन्हें तोड़ देते हैं या फिर इन्फॉर्मेशन देते हैं पहले कि इन्हें हटा लिया जाए वरना तोड़ दिया जाएगा, तो हटा दिया जाता है। लोग फिर से जाकर वहाँ पर 2 दिन बाद 4 दिन बाद 10 दिन बाद अपनी दुकान खोल लेते हैं, अपनी दुकान बना लेते हैं। अब होता क्या है कि प्रशासन फिर दोबारा आता है, बाद में कभी बीच में आया, नज़र पड़ा उस पर या मार्केट में देखा कि पूरी दुकान फिर से लग गई, बार बार तो हटाने आएगा नहीं, बार बार तो एक ही काम करेगा नहीं, तो वो करता क्या है कि सभी को चालान कर देता है, मतलब सभी को पर्ची काट दिया जाता है, चालान कर दिया जाता है, जुर्माना भी लिया जाता है कभी कभी, और वो जो शुल्क लिया जाता है जुर्माने के तौर पर, उसे लोग ये समझ लेते हैं, लोगों को गलतफहमी ये हो जाती है कि मैं शुल्क जमा कर रहा हूँ, मुझे पर्ची मिलना है, नगर निगम की पर्ची मिलना है, तो ये सबूत रहेगा तो मुझे कभी यहाँ से नहीं हटाया जाएगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो पर्ची आपको मिलता है ये चालान है, वो इसलिए चालान दिया जाता है कि आपने सरकारी जमीन पर, नगर निगम की जमीन पर या कोई भी किसी भी प्रकार का जो सरकार के अंदर की जमीन है उस पर आपने ये फुटपाथ पे दुकान बना रखा है या उस जमीन में दुकान बना रखा है या मकान बना रखा है, इसके बदले ये पर्ची दिया जाता है। इस पर्ची से यह होता है कि ऑन रिकॉर्ड ये हो जाता है कि सरकार के तरफ से आपको वार्निंग दिया गया था, आपको जुर्माना किया गया था, आपको वार्निंग दिया गया था कि ये जो है आपका गैर कानूनी है, यहाँ पे आप दुकान नहीं लगा सकते हैं, यहाँ से दुकान आपको कभी ना कभी हटाना पड़ेगा, अस्थायी तौर पे आप रह सकते हैं, अस्थायी तौर पर कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट के कुछ सेक्शन है जिसमें मैं भी बता चुका हूँ और बहुत सारे आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि किसी भी जमीन पर आप 12 साल तक रह लेते हैं। वो सरकारी की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, कोई निजी जमीन है चाहे किसी व्यक्ति का क्यों ना हो या फिर किसी अनजान व्यक्ति का क्यों ना हो या फिर बिना मालिक का जमीन क्यों ना हो या फिर गैर मजरुआ जमीन क्यों ना हो, आप वहाँ पे बना के रह लेते हैं, 12 साल तक आपका अस्थायी कब्जा रहता है, कोई रोकने टोकने नहीं आता है, तो वो जमीन आपकी हो जाती है, आप दावा कर सकते हैं, कोर्ट से भी दावा करके आप डिक्री ले सकते हैं, तो ये प्रोसेस है। तो लोगों के मन में क्या भ्रम है, लोगों के मन में ये भ्रम है कि सरकारी जमीन पर भी अगर मैं रहता हूँ तो ये मेरा हो सकता है, 12 साल बाद मेरी अस्थाई हो सकती है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि कब हो सकता है, कब हो सकता है, वो तब होता है जब कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो। इस बात को समझिए,
कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो, लेकिन फुटपाथ पर जो अस्थायी तौर पर या अस्थायी तौर पर आप लगा कर रखते हैं, तो आपको हर साल या तो आकर तोड़ दिया जाता है या हर साल आकर आपको चलान कर दिया जाता है, मतलब कि पर्ची दे दिया जाता है पर्ची काट के, तो वो रोकने टोकने वाला ही आया। ऑन रिकॉर्ड आपको पर्ची काट के दिया जाता है, ऑन रिकॉर्ड वहाँ पे मेंशन हो जाता है कि फलाने डेट को आपको हटाने के लिए पर्ची दिया गया था या फिर आपको वार्निंग दिया गया था, तो आपको रोक टोक बार बार किया जाता है सरकार की तरफ से। मान लीजिए साल में या दो साल में एक बार आकर, वो समझिए एक तरह से रोक टोक ही है, ऑन रिकॉर्ड किया जाता है, भले ही आपको हटाया जाए नहीं हटाया जाए, लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ये चीज़ रहती है कि आपको बार बार चालान किया गया है, ताकि आप कभी उस प्रॉपर्टी पर, उस ज़मीन पर, उस जगह पे दावा नहीं कर सके। सरकार जब चाहे, नगर निगम के लोग जब चाहे आकर तोड़ सकता है, आपको हटा सकता है। तो इस बात को पहले समझ लीजिए कि फुटपाथ पर अगर आपकी दुकान है, कमा रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छे अच्छे मुनाफे कमा रहे हैं लोग, अच्छे अच्छे पैसे कमा रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रखे हैं, ये नहीं कि आपको भगा दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, आपको बर्बाद कर दिया जाएगा। आप हैं, सरकार चालान कर रहा है या फिर आपको हटा दे रहा है प्रशासन, आप दोबारा जाकर वहाँ पे दुकान कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगा प्रशासन को, जब ज़रूरत पड़ेगा नगर निगम को, जब ज़रूरत पड़ेगा सरकार को, जब ज़रूरत पड़ेगा उस ज़मीन को, तब आपको अस्थायी तौर पर वहाँ से हटाया जा सकता है। इसको कोई विरोध, इसका किसी भी प्रकार का कोई विरोध आप नहीं कर सकते हैं, करेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सरकार की ज़मीन है और आपको इसीलिए वो पर्ची दिया जाता है। पर्ची का मतलब ये नहीं होता है कि वो पर्ची आपको ज़मीन का रसीद दिया जाता है या दुकान का रसीद दिया जाता है या फिर वहाँ पे कब्जे का रसीद दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक जुर्माने का रसीद दिया जाता है, आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि ये पर्ची रही, आपको जुर्माना किया जाता है या फिर वार्निंग किया जाता है कि आप यहाँ पे है, ये ज़मीन कभी ना कभी आपको खाली करना पड़ेगा, ये अवैध है। हाँ, सरकार को आवश्यकता नहीं रहता है, नगर निगम को आवश्यकता नहीं रहता है, ज़रूरत नहीं रहता है, प्रशासन को ज़रूरत नहीं रहता है, तो लोग बनाए के 20-20 साल से है, 30-30 साल से है, 40-40 साल से है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो ज़मीन ना उसके नाम से हो सकती है, ना उसके नाम से अलॉट होगी। अब सवाल उठता है कि कहीं कहीं दुकान सरकार अलॉट भी करती है फुटपाथ का। आपने देखा होगा रेलवे के ज़मीन में, जैसे रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के बाहर आपने देखा होगा बहुत सारा रूम्स बने होते हैं, जिला परिषद की ज़मीन रहती है उसमें बहुत सारे रूम्स बना दिया जाता है और उसको अलॉट सरकार करती है, हालांकि ज़मीन सरकारी होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारा स्टेडियम है, बहुत सारी जगह है जहाँ सरकार बनाकर अलॉट लोगों करती है। तो मैं आपको बता दूँ कि अलॉट वही होता है जहाँ नगर निगम खुद से बनवाया हो, चाहे वो फुटपाथ की ज़मीन हो या फिर रेलवे की ज़मीन हो या फिर नगर निगम की ज़मीन हो, उसका जो संबंधित डिपार्टमेंट अगर उसने रूम बना कर दिया है या फिर आपको टपरी ही बना के दिया है या फिर किसी प्रकार का कुछ बना के दिया है और उसके बदले कोई कागज़ आपको दिया है, कोई पेपर दिया है, कोई पर्ची दिया है, कोई अलॉट किया है एग्रीमेंट के साथ में, तो उसमें डेट के साथ लिखा रहता है, तो वो अलॉटिंग होता है, तब अलॉट करके दिया जाता है। तो जो एग्रीमेंट, जो डेट वहाँ पर लिखा रहता है, एग्रीमेंट हो या पर्ची भी हो, अगर डेट उस पर लिखा हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक आपको अलॉट किया जाता है, आपको 2022 से लेकर 2030 तक अलॉट किया जाता है, तो उस बीच में खाली नहीं कराएगा, उस बीच में आपको तोड़ फोड़ नहीं किया जाएगा, अतिक्रमण के नाम पर आपका सफाया नहीं किया जाएगा। लेकिन बता दूँ वो हर जगह होता है, चाहे जिला परिषद की ज़मीन हो, रेलवे की ज़मीन हो, नगर निगम की ज़मीन हो, सब बना के भी अलॉट करते हैं, तो वो अलग चीज़ें हो गई, वो उनकी संपत्ति हो गई। जैसे किराए पर लोग लोगों को मकान देते हैं, दुकान देते हैं, इसी प्रकार से आपको अलॉट किया जाता है एक पर्ची बना के, और वो जो अलॉटिंग होता है उसमें कुछ किराया भी लिया जाता है आपसे, नाम मात्र का छोटा सा शुल्क किराया लिया जाता है और कुछ मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है। तो वो दो अलग अलग चीज़ें हो गई। एक तो होता है कि कब्जा करके लोग ऐसे ही बना लेते हैं, जैसे आप बना रहे, चाय की दुकान खोल लिए, छोले भटूरे की दुकान खोल लिए, नाश्ता की दुकान खोल लिए, कपड़े का दुकान खोल लिए, कुछ भी फुटपाथ पर कर रहे हैं, अब प्रॉपर एक ही जगह पर कर रहे हैं 10 साल 20 साल 30 साल से, तो वो अवैध कब्जा ही माना जाता है, चाहे जितना दिन से आप कर रहे हैं प्रशासन की नज़र में वो अवैध कब्जा ही है। अब हटाते नहीं है इसलिए कि पुरानी दुकान हो जाती है तो लोग हटाते नहीं है, सिर्फ आकर इन्फॉर्म कर देते हैं, आपका चालान कर देते हैं, पर्ची कर देते हैं, इससे उनके रिकॉर्ड में भी ये रहे कि मैंने प्रयास किया, मैं कई बार इन्फॉर्म किया, कई बार वार्निंग दिया, ताकि उन पर भी कोई दबाव ना हो और जब कानूनी रूप से मसला फंसे, जब आप कभी दावा करें तो उसमें वो काम आए कि मैंने आपको कई बार प्रयास किया हटाने का, कई बार मैंने आपको चालान किया, लेकिन आप हटे नहीं, आपका दावा इसी पर खारिज हो जाएगा, चाहे कोर्ट में हो चाहे कहीं भी हो। वैसे भी लिमिटेशन एक का जो धाराएं हैं, जो कब्जे का धारा है, वो वहाँ लागू होता है जो प्राइवेट ज़मीन है,
निजी जमीन है किसी का, या फिर उस जमीन का मालिक नहीं है, तो वहाँ 12 साल से ऊपर आप रह लेते हैं, रेगुलर रहते हैं, तो वहाँ आप दावा कर सकते हैं, लोग करते भी हैं। वो व्यक्तिगत मामला हो जाता है, जमीन मालिक और कब्जेधारी का मामला हो जाता है। वहाँ पर साबित करना होता है कि आप 12 साल से ऊपर से है या नहीं है, तो वो आपको साबित करना है, और जिसकी जमीन है उसे भी साबित करना है कि बीच में आप क्यों नहीं आए, क्या वजह रहे, जबकि अगला अस्थायी मकान बना के वहाँ पर रह रहा है, वहाँ पर बहुत सारा पूंजी इन्वेस्ट कर चुका है, आप वहाँ पर कभी आए नहीं दोबारा। लेकिन सरकारी मामलों में आप 10 साल 20 साल 50 साल भी रह जाते हैं, तो वहाँ पे आप काबिज नहीं हो सकते हैं। सरकार आपके नाम से वो ज़मीन प्रॉपर्टी कभी नहीं कर सकती है, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन है, सरकार वही कर सकती है। सरकार अगर अलॉट करती है किसी को ज़मीन, कोई सोसाइटी बना कर देती है, किसी को लीज पर देती है कोई फ्लैट बनाने के लिए, तो वो आप अपने नाम से अलॉट करा सकते हैं। वो भी उसका टर्म कंडीशन होता है, एक समय सीमा होता है कि इतना दिन से इतना दिन के लिए, कई सालों के लिए, 20 साल 30 साल 10 साल 50 साल, जितने सालों के लिए अलॉट करते हैं उतने सालों के लिए होता है। परमानेंट सरकारी ज़मीन बिकता नहीं है, कोई किसी के नाम से बेच नहीं सकता, यहाँ तक कि सरकार भी आपके नाम से बेच नहीं सकता है, लीज पर दे सकती है कोई भी ज़मीन, लेकिन सरकारी ज़मीन बिकता नहीं है, ये बात आपको माइंड में रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हाँ सरकारी ज़मीन पर आप 20 साल से हो 30 साल से हो 40 साल से हो 50 साल से हो तो वो ज़मीन आपकी हो गई, सरकार नहीं हटाएगी। हाँ नहीं हटाएगी, मैं भी यही बोल रहा हूँ कि नहीं हटाएगी, उसे ज़रूरत नहीं है तो कभी नहीं हटा सकती है। हो सकता है कम ज़मीन हो, आपका घर हो काफ़ी समय से, उसको कभी ज़रूरत नहीं पड़े, कभी नहीं हटाएगी। लेकिन अगर 100 साल बाद भी उसे ज़रूरत पड़ गया, 150 साल बाद भी उसे ज़रूरत पड़ गया, तो आपको इन्फॉर्मेशन देने की उसे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक नोटिस आपको करेगी और दोबारा आके आपको तोड़ देगी, और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़मीन ऑन रिकॉर्ड सरकार का होता है, सब चीज़ सरकार का होता है, और सरकार का ज़मीन जब बिकता ही नहीं है, सरकार के ज़मीन का सेलिंग होता ही नहीं है, तो फिर ये ज़मीन आपके नाम से हो कैसे सकता है। प्राइवेट ज़मीन सरकार को दान किया जा सकता है, प्राइवेट ज़मीन कोई सरकार के नाम से लिख सकता है, लेकिन सरकार अपनी ज़मीन किसी के नाम से लिख नहीं सकता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि लिख नहीं सकता है, मतलब रजिस्टरी नहीं कर सकता है, उसका कोई ऐसा पावर ही नहीं है, ऐसा संविधान में कुछ भी प्रावधान भी नहीं किया गया है। ये होता है लीज पर दिया जाता है किसी को, अलॉट किया जाता है किसी को, रजिस्टरी नहीं कर सकता, क्योंकि पार्टिकुलर किसी व्यक्ति का जमीन नहीं है, वो राष्ट्र की संपत्ति होती है। सरकारी संपत्ति जो होती है वो राष्ट्र की संपत्ति होती है या राज्य की संपत्ति होती है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने कमेंट किया था उनका मामला लगभग हल हो गया होगा, आप समझ गए होंगे कि फुटपाथ पर जो दुकानें होती है उसका जो पर्ची काट के दिया जाता है या फिर अतिक्रमण हटाया जाता है समय समय पर, क्यों ऐसा किया जाता है, पर्ची का क्या मतलब है, आप 10 साल 20 साल से है तो आप किस हिसाब से है, आप समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी मन में कोई सवाल हो, प्रश्न हो, कुछ पूछना हो, कुछ नया जानना हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन नए टॉपिक वही वीडियो आपको चाहिए, कानून से संबंधित हो, बैंकिंग से संबंधित हो, इंश्योरेंस से संबंधित हो, सरकारी योजना से संबंधित हो, ऐसे कुछ भी जानकारी जो एजुकेशन से संबंधित हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, तो मैं इसी प्रकार से आपका वीडियो बनाता रहूंगा, आपको उपलब्ध कराता रहूंगा। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले, लेकिन आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के मुद्दे पर होगा, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।